CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों। साथियों नमस्कार। साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा। जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का। लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे। जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है। उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं। इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी। साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है। नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है। इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और मां का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की। उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। और ठीक अपने जन्मदिन पर
27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी। अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए। और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था। इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी। दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था। सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास। शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी। और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं। वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे। लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी। और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया। जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे। फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे। लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए।
उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा। भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है, और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं। जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं, जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।